संस्था का चेयरमैन हूँ, बाकी अधिकारी जो भागे भागे चल रहे हैं, इसमें क्या इंटरेस्ट रह गया है? इंटरेस्ट अब केवल लोगों का एक ही है कि भुगतान कैसे हो, तो हम लोग उसी की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, बाकी गेम चाल वगैरह जो भी है वो सब तो हम लोगों ने जनता की महाअदालत में दिल्ली आकर के भी रखा, आपके चैनल के माध्यम से भी रखा, जहां जहां जो प्लेटफॉर्म मिला सब जगह रखा। इनका चाल नहीं महाचाल है, क्योंकि ये लोग महाचंडाल लोग हैं। अब महाचंडाल जो होता है ना, वो केवल चंडाली करता है और उससे बचने का रास्ता निकालते रहता है, यही लोग करता है। बातें बोलने से थोड़ी अभद्रता हो जाती है, लेकिन अब हम लोग हैं बिहार झारखंड के लोग, अब उतना तो भद्र हम लोग है नहीं, लेकिन क्या करे, चैनल पर आकर के भद्रता थोड़ा दिखाना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा है, स्थिति बद से बदतर है सर। अभी मैं धनबाद गया था, यहाँ के जो वहां से डिफेंसेसी हटाया जा रहा है, वहां पे अच्छा खासा इनकम का साधन इन लोगों ने बना दिया, और ये पैसा केवल यही के लोग थोड़े खा रहे हैं, यहाँ से लेकर ऊपर तक जा रहा है, तो ये भी एक चाल है। अब इस चाल महाचाल से निकलने का हमारे पास हटाने के लिए पैसा ले रहे हैं धनबाद में भी, सब धनबाद में भी 300 रुपये पूरे देश में, पूरे देश में पर सर्टिफिकेट 300 रुपया। अब बोलिए, ये सबको जूता खोल कर मारा जाए 10 जूता। ये लोग बोले हैं कि लोग बड़ा क्रूर हैं, बदमाश हैं, भद्र नहीं है, भद्रता करते हैं, ये लोग इसी के लायक हैं। पता नहीं ये लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ का पब्लिक क्यों इन लोग को छोड़े हुए है। हमारे शहर में अगर लोग इस तरह रास्ते करते तो हम लोग तो उनके घर पे हजारों लोगों को लेकर पहुंच जाते, भैया तुम अगर आकर के बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा है तुम ही पैसा दिलवा दो, हमको तो पैसे से ही मतलब है ना, तुम तो थोड़े खेत घर का कोई झगड़ा है। लेकिन ये लोग हम दुर्भाग्य, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं नहीं, जहाँ है वहाँ कान पकड़ के हम लोग ठीक कर रहे हैं, और जहाँ कनाई सा रहते हैं या बाकी ज्ञान दान वाले लोगों को आज देश को भरमा रहे हैं कई सालों से, इनके शहर के लोग अगर इनको अगर नहीं कुछ कार्रवाई कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कभी आमने सामने लोग मिले तो हम लोग समझाएंगे कि कार्रवाई कैसे होता है, कार्रवाई कराने की कोशिश हम लोग लगे हुए हैं। तो हम लोग सोल्यूशन की बात करें, अभी जैसे आप ही के चैनल से लगातार कहा जा रहा था कि दशहरा में खुशखबरी मिलेगा, दशहरा से भुगतान हो जाएगा, दशहरा बीता, फिर इन लोगों ने कहा दीपावली में खुशखबरी मिलेगा। भाई दीपावली में कई दिन बचा हुआ है, 31 तारीख को हमारे यहाँ दीपावली है, अभी पता नहीं अगले साल दीपावली की बात कहे होंगे तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन दीपावली बोले थे, लेकिन 2024 का दीपावली की 2025 का ये नहीं बोले थे, तो बाद में बोलेंगे 24 वाला दिवाली तो हम नहीं बोले थे, 25 का भी दिवाली आ सकता है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि तो इनका काम ही है झांसा देना, ये झांसा इंडिया वाले लोग हैं। अब दिवाली खत्म होगा तो हमारे यहाँ छठ शुरू हो जाएगा, छठ का भी नाम ले सकते हैं, और छठ खत्म हो जाएगा तो बोलेंगे दिसंबर, दिसंबर तो इनका गाना हर साल का होता है कि इस दिसंबर में ठीक हो जाएगा। मैं आपको कम से कम 10-20 वीडियो भेज सकता हूँ 3-4 साल के दरमियान जो दिसंबर दिसंबर का ये लोग गाना गाते हैं, फिर दिसंबर जब लास्ट वाला रहता है तो गाना इनका बदल जाता है, तो ये इनका हम लोग कई साल से सुन रहे हैं। तो इन लोग तो देश को झांसा दे रहे हैं, लोगों को भी समझना चाहिए कि इनकी बातों में सच्चाई क्या है। हमारा मामला जो है वो सीधे सीधे सोसाइटी का है, क्यूस्कोप का है, सोसाइटी का जो अब पोर्टल के माध्यम से क्लेम दिया जा रहा है उसमें इतनी सारी त्रुटियां हैं जो बताने का जरूरत ही नहीं, सबको पता है। 10,000 लोगों को मिला, कितना लोगों को मिला, 50,000 मिला, कितना लोगों को मिला, और हम तो बार बार ध्यान वही दिलवा रहे हैं कि जब सीआरसी के पास मात्र पैसा है 5,000 करोड़ रुपया, तो 10,000 क्या, वो तो 5,000 रुपया भी पूरे देश के लोगों को नहीं दे पाएगा, क्योंकि 86,000 करोड़ रुपया केवल प्रिंसिपल है, ब्याज समेत अगर दीजिएगा तो लगभग 2,50,000 करोड़ रुपया। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जिनका पैसा लगा हुआ है आपका सहारा यूनिक वगैरह में, जो कमर्शियल और सहारा क्यू शॉप में, वो तो दर दर की ठोकर खा रहे हैं बेचारे, कोर्ट जाते हैं तो वहां ये लोग लिख के दे देते हैं कि हमको इससे मतलब नहीं है, यहाँ आकर के बड़ा बड़ा प्रवचन देने लगते हैं, कभी इनका नीरज कुमार पाल पैरा बैंकिंग का हेड बनने जा रहे हैं, तो कभी सपना राम सहारा का चेयरमैन बनने जा रही है, फिर झांसा दे रहे हैं कि पहले से तो वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ कार्रवाई करना पड़ता है, कुछ कागजात उसके बनाने पड़ते हैं, घोषणा करना पड़ता है,
आज हमारे बीच में माननीय रत्न जी नहीं रहे, तो क्या वो उनका जो वाइस चेयरमैन है वो वाइस चेयरमैन चेयरमैन बन गया क्या? क्या उसकी विधिवत घोषणा नहीं होगी क्या? या और अन्य कंपनियों में चेयरमैन जाते हैं तो विधिवत घोषणा नहीं होता है क्या? तो ये लोगों का झांसा देना काम है, लोग झांसा में रह रहे हैं। अब दुर्भाग्य इस देश का यही है कि ये सहारा इंडिया के साथ पहली बार तो हुआ नहीं है, इसके पहले भी इस देश में जितना भी चिट फंड कंपनी पैसा लेके भागा, चाहे 15 साल पहले गया, चाहे 20 साल पहले गया, चाहे 10 साल पहले गया, उनके भी एजेंट इस कनाई शाह जैसे लोग जो हैं, उनमें भी कई लोग हैं, उनसे ही बात कीजिएगा तो बोलेंगे बस अगले महीने से तो भुगतान शुरू ही होने वाला है, भुगतान में देरी थोड़े है। तो वही हाल यहाँ है, लोग इन पर भरोसा बनाए हुए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग का तिल के ऊपर तनिक भरोसा रहा नहीं। अब कोई बहन बना ले, कोई भाई बना ले, कोई बाप बना ले, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं निकलेंगे। हम लोग का इंटरेस्ट यही है कि हम लोग का कोऑपरेटिव सोसाइटी का बाकी चीजों का भुगतान कैसे हो। कुछ चीजें तो ऐसा है जो हम लोग अथक प्रयास कर भी लें तो बड़ा मुश्किल है पैसा लेना, जैसे 19,000 रुपया करके इन लोगों ने जो पैसा लिया था हेल्थोरियम में, और यही नीरज कुमार पाल के द्वारा कहा गया था भरी सभा में यहाँ पे कि जो लोग 19,000 रुपया हेल्थोरियम में लगाएंगे उनका इतना पैसा भुगतान होगा कि एक बेटी का शादी हो जाएगा। अब पता चल रहा हो कि 19,000 रुपया कागजाती ढंग का नहीं है, बेटी का शादी में पैसा ही कहाँ से देंगे। उसी तरह से बहुत सारे चीजों में पैसा लिए जिसको कि प्रूफ करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मकड़ जाल इस तरह का बुन के रखे हैं लोग ना, और इनका मकड़ जाल को काटना इतना आसान नहीं है, हमें भी लग रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान और बाकी चीजों का हो जाए। कुछ भुगतान ऐसा है जो इस जीवन में तो हो नहीं पाएगा, जैसे आपका ई स्कूट जिसमें आपका पूंजी से ज्यादा ये लोग पैसा ले चुके, आपका हेल्थोरियम का वे फ्यूचर फंड और इनकम टैक्स जो आज कई सालों से बकाया है, ये सब में तो बहुत मुश्किल आने वाला है, लेकिन जो चीजें हो सकता है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर। अभी देखिए ना, एक ताजा ताजा आपके पास एक उदाहरण आया है, शायद सतीश सर के, उससे भी वो आदमी संपर्क किए थे, कल मुझसे भी किए हैं कुछ दिन पहले, एक आजमगढ़ का मामला है। एक आदमी है बोलता मेरा दादी के नाम से पैसा जमा था, मऊ की घटना है, दादी के नाम से अबोर्ड बोन्ड मतलब रियल एस्टेट वाला स्कीम जो था उसमें पैसा जमा हुआ था 2012 में, और उसकी दादी 2010 में मर गई, दादी के नाम पैसा था, और उसका जो नॉमिनी है उसके नाम पे 2012 में सर्टिफिकेट काट करके उनके घर पहुंचा दिया गया। अब बताइए जो आदमी इस दुनिया में रहा नहीं वो सिग्नेचर कैसे किया भाई? एक वहां की घटना है और एक यहाँ की भी आ रही इस तरह का कि आदमी मर जा रहा है उसका ही पैसा जमा हो जा रहा है, घर में सर्टिफिकेट चल गया। ये महानुभाव लोग काला कोट पहन के आने वाले लोग कहते कन्वर्जन तो हुआ ही नहीं, कैसे हो जाता है भैया? हम तो नहीं सुने कि आज तक इस तरह का काम पोस्ट ऑफिस बैंक और बाकी जगह भी हो रहा कि आदमी मर रहा है दूसरे के बाद उसके नाम से री इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है और सर्टिफिकेट भी जमा हो जा रहा है। तो जितना अंदर हम लोग घुस रहे हैं सर उतने पता ही नहीं चल रहा कि किस सुरंग में जा रहा है और कहां इसका अंत मिलेगा। नागेन जी मतलब जितना तरीका हो सकता है वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया गया नहीं। हाँ तब पैसा नहीं देना पड़े इसका हजार रास्ता हजार बहाना 10 साल से ये लोग उठाक कर रखे एम्बार्गो एम्बार्गो एम्बार्गो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कोई एम्बार्गो नहीं, उसके बाद इन लोगों के पास में एक से एक बहाना, मतलब क्या कहा जाए, कौन बात को पकड़े और कौन बात को छोड़े हम लोग भी कंफ्यूज है। नागेन जी का शायद नेटवर्क का इशू लग रहा है, शुभम जी से बात हुई? नहीं सर, ये है ऐसे एविडेंस कई दे चुका हूँ रियल एस्टेट के, जो पार्टियां एक्सपायर हो गई हैं और ऑटोमेटिक इन्होंने उसको एजेंट के माध्यम से शाखा प्रबंधक के माध्यम से मतलब क्यू शॉप में कर दिया है। ऐसे मैंने जो उस्माजी बोल रहे हैं वो भी सही है और मैंने भी एविडेंस आपके पास दिया है, मैंने उस दिन भी कहा था, और भी ऐसे दो एविडेंस और आ चुके हैं जो पार्टी ने पैसा 2008 और 2009 में जमा किया था और पार्टी 10-11 में एक्सपायर। तो लाइव में एक बार बताया था कि बंदे को पता भी नहीं है और वो डायरेक्टर है सहारा का। हाँ है ना, कुशवाहा जी ने छत्तीसगढ़ी घटना है सर। मेरे साथ ऐसा हुआ,
मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे बैंक में अकाउंट में जब लिखा हुआ देखा तो बैंक ब्रांच मैनेजर ने बुलाया क्या क्या आप सारा के कुछ है क्या, तब उस अकाउंट को मेरे बंद करना पड़ा सर। मुझे खुद को मालूम नहीं है, मुझे खुद को मालूम नहीं है, मेरे साथ खुद हुआ है सर। पैसा मिला नहीं लेकिन सहारा इंडिया सहारा वर्ल्ड बन गया। अब पैसा नहीं मिलेगा तो सहारा इंडिया सहारा ब्राह्मण हो जाएगा। सब कुछ आपके चैनल पे ही हम लोग देख रहे हैं सर, सब कुछ नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, बाकी लोगों को मौका दीजिए, बाकी तो हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते ही हैं। इनका झांसा हम लोग सुन ही रहे हैं, दूर तक के लोग झांसा दे सकते हैं। आपने तो खुद कहा नागेंद्र जी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आप एजुकेट करने के लिए आते हैं। आपने ये कहा कि सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप आते हैं। ये लोग उसके लिए आते हैं ना, ये लोग तो उसी के लिए आते हैं कि क्या क्या झांसा इन लोग को देख करके कुछ दिन और टाला जा सकता है। तो आज भी कन्हैया जी झूठ सच बोल दे लेकिन इतना बता दे सर, कम से कम बाकी बात छोड़ दीजिए, सारी कहानी आपकी एक तरफ। मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ आज की, शुभम फिर से ज्वाइन करें क्योंकि कल डिबेट आधा रह गया था। आज का डिबेट में कन्हैया जी से यही बात पूछा जाए कि दशहरा चला गया, आपने घोषणा किया था कि दीपावली तक लोगों का भुगतान हो जाएगा, तो क्या इस घोषणा पर एक कहा कि दीपावली नजदीक आना रहता है, जब नजदीक होना रहता है दो चार दिन तब ये लोग बात से पलटना शुरू करते हैं। हो सकता है शुरू कर दे, हो सकता है लोग ज्यादा सुनते हैं, हम लोग का कम सुनते हैं सर, कहे की हम लोग विपक्ष में है और वो लोग पक्ष वाले हैं। जी हाँ। जी बोलने देते हैं, पहले एक बार गणेश जी से बात कर लेते हैं। जी गणेश जी, जी। कल याद रख लीजिएगा भैया, कल से कर लीजिएगा 24 दिन हम लोग एक महीना का टाइम देते हैं, अगले 24 मिल जाएगा नवंबर तक बोल। नागेंद्र जी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। कल गणेश जी के लिए कन्हैया जी ने कहा था कि 24 दिन में पैसा मिल जाएगा, हमने कहा 24 घंटा, कन्हैया जी कहे कि 24 दिन में मिल जाएगा, हमने एक महीना का टाइम दे दिया, 6 महीना और बढ़ा देते हैं, देखते हैं अगला 30 नवंबर तक मिल जाए। ठीक है देख लेते।